What's up guys? कैसे हो आप सब? So, दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस flexible tripod या octopus tripod आप इसे कह लो, हम इसका करने वाले हैं unboxing and review. तो भाई ये Tech with Ankush स्टाइल में होने वाला है एंड मैं आपको इसकी जो भी है डिजाइन, क्वालिटी, प्रैक्टिकल यूज एंड मेरे प्रो टिप्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में. सो दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई ट्राइपॉड लेने वाले हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस और नॉट. भाई हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो कम से कम 15,000-25,000 के होते हैं. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर आपको आपका मोबाइल सबसे ज्यादा प्यार होगा, राइट दोस्तों? तो अगर आप कोई भी, अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो या आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो तो ऐसी चीजें बहुत मैटर करती है. इसलिए सबसे पहले रिव्यू वाले वीडियो देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी एग्जैक्टली क्वालिटी क्या है, मोबाइल पकड़ के रखेगा भी या नहीं या फिर टूट जाएगा, राइट दोस्तों? क्योंकि ये टूटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट मोबाइल बहुत ही प्यारा होता है. एंड दोस्तों, और एक बात ये है कि ये जो ट्राइपॉड है ये मुझे सिर्फ मिला है 359 रुपीज में फ्रॉम पेटीएम. सो दोस्तों, अब चलो कर देते हैं इसका रिव्यू शुरू. तो चलो, अब वक्त आ चुका है इसे अनबॉक्स करने का एंड यस, आपको इसकी पूरी रिव्यू देने का. तो अब हम सबसे पहले इसका बॉक्स देख लेते हैं. यहां पे आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड लिखा हुआ है. दिस इज द होल डिजाइन. इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो प्रोडक्ट इज ऑक्टोपस ट्राइपॉड एंड ये सारी जो भी इस पे चीजें ये लिखी है. इसके डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम की वेबसाइट पे लिखा है कि ये 12 इंच का ट्राइपॉड है, तो इसकी लेंथ इतनी है. यहाँ पे इसके और भी ये जो थोड़े बहुत आप देख सकते हो इसके फीचर्स वगैरह जो भी है सब दिखाए हुए हैं. अब इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं. तो ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिलता है ये मोबाइल होल्डर एंड इसके अंदर ट्राइपॉड, बस और कुछ नहीं है. तो इसमें कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं है, इनफैक्ट पेटीएम से खरीदा है, सो दैट इज वाई ऊपर पेटीएम की जो प्लास्टिक पैकेजिंग थी वो था और डायरेक्टली फिर अंदर ये बॉक्स था. यहाँ पे कोई टेप या कोई सील नहीं था, ये इस तरीके से ही आया है. अब मैं इस बॉक्स को साइड में रख देता हूं. अब यहां पे देखा जाए तो इसको जो है इस तरीके से ये प्लास्टिक के अंदर है. इसे मैं ओपन कर देता हूं. अब दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिए, मुझे ये जो 359 में मिला है ये मुझे कैसे मिल पाया इस पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है. जो मैंने बजाज फिनसो के मेरे वाउचर्स थे उनको मैंने रिडीम किया था, तो उसकी वजह से मुझे ये 240 रुपीज का एक्स्ट्रा कैशबैक मिला. तो 599 की ये प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, उस पर 240 का कैशबैक माइनस करो तो ये मुझे 359 में मिला है. उस वीडियो का लिंक भी अभी आप ऊपर देख सकते हो. तो अब हम इसकी जो है पूरी क्वालिटी, डिजाइन एंड एवरीथिंग चेक कर लेते हैं. अब सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर हमें ये बॉल हेड दिया हुआ है जिसपे ये जो आपका जो मोबाइल होल्डर है ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है? फिर ये उस बॉल हेड को आप एडजस्ट कर सकते हो जो भी डायरेक्शन में आपको स्क्रू से करना है, ये चीज आप ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हो. यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये रोटेटेबल है, तो ये थोड़ा सा एक ऐसे रोटेट होता है. ये इसके तीन लेग्स हैं, तो बेसिकली दैट इज व्हाई दिस इज अ ट्राइपॉड. एंड इसकी अगर मैं क्वालिटी की अगर ओवरऑल अगर बात करूं तो भाई इसका ये जो प्लास्टिक है ये बेसिकली प्लास्टिक नहीं, इनफैक्ट ये पूरा रबराइज्ड है. मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो दिस इज ओवरऑल रबराइज्ड, तो कहने का मतलब ये कि पूरा वाटर प्रूफ बन जाता है. आप इसे कितने भी डीप वाटर्स में लेके जाओ, आपके पास मोबाइल फोन है, DSLR है, GoPro है, ये सबका वजन सहन कर लेता है ऐसा इनका कहना है. मेरे हिसाब से DSLR मे बी अ ट्रिकी थिंग टू वर्क ऑन दिस वन, बट येस आपके मोबाइल फोन्स जो है वो आराम से वर्क कर पाएंगे. एंड जो आपका GoPro है उसका भी हालांकि वजन थोड़ा नॉर्मल होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो वो भी इसमें आराम से काम कर जाएगा. ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, शानदार है. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये इसका जो बॉक्स है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इम्यूटेबल ऐसी कंपनी का नाम लिखा था बट यहाँ पे कहीं पे भी हमें इम्यूटेबल का नाम नहीं दिखता. तो आप ये कह सकते हो कि ये एक जेनेरिक ब्रांड है, बट जेनेरिक ब्रांड शायद इन एक्सेसरीज में वैसे ही ज़्यादातर जेनेरिक ब्रांड्स ही हमें देखने मिलती है. एंड उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसकी क्वालिटी कोई जेनेरिक ब्रांड वाली नहीं है, काफ़ी बढ़िया है. ये आप देख सकते हो, इसका कहीं पे भी आपको फिनिशिंग में दिक्कत नहीं आएगी
यहाँ पे आपको इसकी स्टर्डीनेस अगर देखनी हो तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं जब ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे हमें नीचे स्क्रूज मिलते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो एंड यहाँ पे तीसरा स्क्रू है। देन इसके बाद यहाँ पे भी हमें 1, 2 एंड 3 स्क्रूज यहाँ पे भी मिलते हैं। तो इसकी ये जो फिटिंग वगैरह है ये बहुत ही शानदार है। मतलब इसको देख के मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने आज लिया और शायद ये यू नो 2-3 महीने में ये खत्म हो जाए, गिर जाए। अब मैं आपको है ना, मेरा जो मोबाइल फोन है वो मैं आपको इस पे लगा के बता भी देता हूँ कि देखिए ये किस तरीके से आप प्रैक्टिकली यू नो ये दिखता है। तो अब ये जो है मैंने अपने मोबाइल फोन को यहाँ पे अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो ये यार, ये कितना ज्यादा, मतलब ये बॉल हेड ये पूरा ऐसे झुक सकता है, ये पूरा क्लियरली फ्लेक्सिबल है, स्टर्डी भी है। देखो अगर मैं मोबाइल फोन को ऐसे उल्टा भी करता हूँ तो भी इसको कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं गिरेगा। ये देखो मैं ऐसे शेक भी कर रहा हूँ बट नथिंग हैपेंस टू दिस। कहने का मतलब ये है कि यार ढेर सारी चीजें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हो एंड इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि भाई इसकी हाइट जो है वो पेटीएम पे मेंशन की गई है कि ये 12 इंच है। तो क्या ये सच में 12 इंच है, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो पता चला कि अगर थोड़ी सी भी अगर कम साइज हो तो हम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, राइट दोस्तों। तो इसको अब मैं जो है हो सके उतना सीधा कर देता हूँ इसकी टांगों को। एंड ये मेरे पास जो है मेजर टेप भी है, तो इससे हम इसे माप भी लेते हैं कि ये कितनी साइज है। यह देख सकते हो, यहाँ से मैंने शुरू किया एंड ये आप देखो दिस इज एग्जैक्टली 12 इंचेस। तो भाई इस हिसाब से तो ये सही बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो बातें की गई है वो परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, फ्लिपकार्ट की भी लिंक है, अमेजोन की भी है, पेटीएम की भी है, तो हर एक की मैंने आपको लिंक दे दी। आपको जहां से भी खरीदना आप इसे ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो। मेरे हिसाब से इस चीज को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो। दिस इज समथिंग विच यू कैन बेट अपॉन। थोड़ा बेटर प्राइस भी है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो दिल में दर्द नहीं होता कि यार बहुत बड़ा खर्चा कर लिया और कोई चीज सही नहीं आई, तो ये बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों यही है, ये मेरा पूरा रिव्यू इस फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड पे। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को यू नो सब्सक्राइब करना रह गए हो इस वीडियो को देखते देखते, तो यार अब सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। एंड यार अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।